नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का रंजना बेसफूड चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो लेकर आई हुई हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं। तो उससे पहले आप लोग को बता देती हूँ, प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले की पूड़ी। तो कच्चे केले की पूड़ी हम किस तरह से बनाएंगे ये तो आप लोग को पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं चल रही हूँ कच्चा केला तोड़ने, जो कि कच्चा केला हमारे घर पर ही लगाया गया है, घर के बगल में ही, बगीचे में ही। तो मैं चलती हूँ कच्चा केला तोड़ने। आइए आप लोग को दिखा देती हूँ केला का पेड़। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे बगीचे में, देखिए कितना सारा केला लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। अभी ये अभी छोटे हैं, छोटा छोटा पेड़ है, ये वाला पेड़ बड़ा है, तो इसी में केला फरा हुआ है और उसी केले को मैं चल रही हूँ तोड़ने। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, केला हमारा बहुत ही अच्छे से फरा हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो हमने चक्कू लिया हुआ है, चक्कू से केला काटेंगे, जितना हमको बनाना है उतना ही केला हम काटेंगे। तो जो मोटा मोटा है उसी को हम कट करेंगे। ये देख सकते हैं एक केला हमने कट कर लिया, इसको अभी हम थाली में रख देंगे। तो अब दूसरा केला भी हम कट करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा केला भी कट चुका। तो पूड़ी बनाने के लिए हम ज़्यादा केला नहीं लेंगे, सिर्फ 5 केला हम ले रहे हैं। तो 2 हमारा कट चुका है, ये देखिए 2 हम और काट लिए हैं, तो 4 हो गया है। एक और केला हम कट करेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हमने अच्छे से कट कर लिया है, इसमें से आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने 5 केला कट कर लिया है। तो हमको इतने का ही पूड़ी बनाना है, तो हमने इतना ही केला तोड़ा हुआ है। तो अब इसको लेकर चलते हैं अपने किचन के पास। तो चलते हैं अपने चूल्हे के पास, आइए आप लोग को भी दिखाते हैं। तो मैं अपने चूल्हे के पास आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग को मैं दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या सामग्री लिया हुआ है पूड़ी बनाने के लिए। ये हमने 5 केला लिया हुआ है, जो इसको अभी तोड़ के लाई हूँ अपने बगीचे से, और 2 कटोरी हमने आटा लिया है जो कि गेहूँ का आटा है, और 2 हरा मिर्च है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है, और यह है हल्दी पाउडर 1 चम्मच है, नमक हमने लिया है स्वाद के अनुसार, और यह है अजवाइन, अजवाइन को हमने आधा चम्मच लिया हुआ है, और यह है रिफाइंड का तेल, और यह है पानी। तो इतना सारा सामग्री हमने लिया हुआ है केला की पूड़ी बनाने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले अब मैं ये जो कच्चा केला है इसको अब मैं उबालूंगी। तो सबसे पहले मैं जो हमने कच्चा केला लिया हुआ है इसको मैं उबालूंगी। तो उबालने के लिए आप लोग देख सकते हैं हमने चूल्हे में आग को जला लिया है, हमारी आग बहुत ही अच्छे से जल रही है। तो केला को उबालने के लिए हमने कुकर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस कुकर के अंदर हमने 2 ग्लास पानी डाला है, और पानी के अंदर ये हमने केले को डाल दिया है। तो अब इसको हम ढक्कन से बंद कर देंगे इस तरह से। तो अभी इसको हम उठा करके चूल्हे पे रख देंगे, और 1 सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे केला को। तो चूल्हे पे रख कर हम केले को 1 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो सीटी हमारी अच्छे से आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं 1 सीटी हो गया है। तो अब हम केले को, तो कुकर को हम चल रहे हैं ढक्कन खोलने। ये देखिए केला हमारा बहुत ही अच्छे से उबल चुका है, तो इसको अभी हम निकाल करके, अच्छी तरह से उबल चुका है आप लोग देख सकते हैं। तो केले का छिलका अब हम उतार लेंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका छिलका उतर जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी केले का छिलका उतार के रख लूँगी, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत। तो केले का छिलका हमने बहुत ही अच्छे से उतार लिया है, आप लोग देख सकते हैं केला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक भी चुका है। तो इसको अभी हम ऐसे बीच से फाड़ेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं।
ये देखिए बहुत ही अच्छे से पका हुआ है हमारा केला। तो इसका ये जो बीज का हिस्सा है इसको हम निकाल करके फेंक देंगे इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं इसका बीज का जो है बहुत ही कड़क है, इसलिए हम इसको निकाल दे रहे हैं। ये देखिए तो इसी तरह से मैं सारे केलों का बीज बीज में से फाड़ दूंगी और उसका बीज का जो परत है इसको हमें निकाल करके काला काला जो दिख रहा है इसको भी मैं निकाल कर फेंक दूंगी। हमने बहुत ही अच्छी तरह से मसल दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने मसल दिया है। तो इसको अभी हम रख देते हैं और अब चल रहे हैं आटा सानने। 2 कप आटा लिया हुआ था, 1 थाली में रख लिया है। अब मैं केला को भी इसमें मिला दूंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। हुआ हरा मिर्च हम डाल दिए हैं और हमने लिया हुआ था अजवाइन, इसको भी हम डाल लेंगे। और अब हम नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। आप लोग देख सकते हैं हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लिए हैं। तो अब मैं चल रही हूँ आटा को गूंथने। पहले मैं इन मसालों को अच्छी तरह से मिलाऊंगी। पानी डालूंगी, पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को गूंथेंगे। तो आटा को हमने बहुत ही अच्छे से गूंथ लिया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए आटा हमारा बहुत ही अच्छे से गूंथ कर तैयार है, हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं। ये देखिए आटा को अब हम ऐसे रख देते हैं, अब चलते हैं चूल्हे पे कढ़ाई रखने। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, तो घने बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है। आप लोग देख सकते हैं बारिश होने ही वाली है, काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। देखिए चारों तरफ से घिर चुके हैं, काले काले बादल हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए बादल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो चूल्हे पे हमने कढ़ाई को रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम इसमें रिफाइन का तेल डालूंगी। तो उधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं पूड़ी को बेल लूंगी। बनाने के लिए मैं लोई बना लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो पूड़ी को मैं चल रही हूँ बेलन से बेल लूंगी इस तरह से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पूड़ी हमारी बेला जा रहा है, ये देखिए। तो पूड़ी को हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, मोटा ही रखेंगे। तो बस इसको अब हम बेलेंगे नहीं, इतना ही रखेंगे। तो अभी चेक करते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो पूड़ी को हमने तेल में डाल दिया है, पूड़ी हमारी अच्छी तरह से पक रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो पूड़ी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अभी मैं निकाल करके 1 थाली में रख लूँगी। तो अब मैं दूसरा पूड़ी भी डाल दूँगी कढ़ाई में। तो आप लोग देख सकते हैं पूड़ी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है ये भी। तो इसको अभी मैं पलट देती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पक रही है पूड़ी हमारी, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए गोल गोल गुब्बारा की तरह। तो बारिश होना शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए काफ़ी तेज से बारिश हो रही है। पूड़ी हमारी बहुत ही अच्छे से फूल रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो पूड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, घर पर बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा ये, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है कच्चा केला दोस्तों। केले का पूड़ी हमारा बनकर तैयार है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना टेस्टी कितना स्वादिष्ट पूड़ी हमारा बना हुआ है। आप लोग देखिए कच्चे केले का पूड़ी इस तरह से हमने बनाया हुआ है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फूला हुआ है हमारा पूड़ी, ये देखिए।
तो इसको आप लोग एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर बनाइएगा। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में एक अच्छी और टेस्टी और नई रेसिपी के साथ, और बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी के साथ आप लोगों को मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अब तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।